नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मीटा चीफ मार्क जुकबर्ग ने आरोप लगाया है कि जो बाइडेन कमला हैरिस प्रशासन ने कोविड से संबंधित पोस्टर को सेंसर करने के लिए उनकी कंपनी पर बार बार दबाव डाला। उन्होंने जुडिशरी कमेटी को लिखी चिट्ठी में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यूं दबाव डालना गलत था। उन्हें अफसोस है कि वह पहले इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोल पाए। जुकबर्ग ने चिट्ठी में लिखा कि 2021 में कई महीने तक बाइडेन प्रशासन ने उन पर दबाव डाला, यहाँ तक कि वे कोविड-19 से जुड़े मीम तक को हटाना चाहते थे। जब हम इस पर सहमत नहीं हुए तो उन्होंने इसे लेकर अपनी निराशा भी जताई। मेटा चीफ ने कहा कि आखिरकार ये हमारा फैसला था कि कंटेंट को हटाना है या नहीं, हमारे फैसलों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मार्क ने कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी भी हाल में किसी भी सरकार के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। हमें अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो भी हमारा जवाब पहले जैसा ही होगा। इसी चिट्ठी में जुकबर्ग ने आरोप लगाया कि FBI ने 2020 के चुनाव से पहले उन्हें चेतावनी दी थी। मेटा चीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने बाइडेन फैमिली के करप्शन से जुड़े मामले को लेकर एक रिपोर्ट लिखी थी। इसी चिट्ठी में जुकबर्ग ने आरोप लगाया कि FBI ने 2020 के चुनाव से पहले उन्हें चेतावनी दी थी। मेटा चीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने बाइडेन फैमिली के करप्शन से जुड़े मामले को लेकर एक रिपोर्ट लिखी थी। FBI ने इसे रूसी दुष्प्रचार बताते हुए इस पर फैक्ट चेक के नोटिस लगाने को कहा था। जुकबर्ग ने कहा कि मेटा ने स्टोरी को फेसबुक पर डिमोट कर दिया, इसकी वजह से स्टोरी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जुकबर्ग ने चिट्ठी में दावा किया कि रिपोर्टिंग रूसी दुष्प्रचार नहीं थी और उसे दबाया नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले जुकबर्ग ने 2022 में एक पॉडकास्ट में माना था कि मेटा ने बाइडेन से जुड़े कंटेंट को फेसबुक पर दबा दिया था। उन्होंने कहा था कि फेसबुक ने एल्गोरिथम के जरिए 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप की खबर को एक हफ्ते के लिए सेंसर कर दिया था। जुकबर्ग ने कहा कि उन्होंने इसके लिए FBI ने कहा था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।